दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर बुरी ही चाल उल्टी पड़ने वाली है ज्योति की। आने वाले एपिसोड में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। देखने को मिलेगा कि आर्यन को और इमली को खुश देखकर यहाँ पर ज्योति बहुत बुरी तरह से जल रही थी और ये जाने की कोशिश करती है उसके लिए जूस ले जाकर कि आर्यन के लिए कि उन दोनों के बीच में आखिर रात को क्या हुआ था। इसके बाद में वो डायरेक्टली उसे पूछती नजर आती है और जूस लेकर जाती है, लेकिन इमली की तबीयत खराब हो रही थी तो आर्यन से वो सीधा पूछती है। तो आर्यन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं ये जानना चाहती थी कि इमली की तबीयत खराब कैसे हुई। तो बताने की बजाय इसे कहता है कि मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ और तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी ना उस पर मलहम पट्टी खुद लगा लेना। और देखने को मिलता है कि वो अर्पिता को भेज देता है। ज्योति की प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है कि वो उसे पट्टी करे। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि इमली छत पर होती है और वहाँ पर वो आर्यन को थैंक यू बार बार बोल रही होती है और उसे ये भी कहती है कि आर्यन कहता है कि ऐसा बार बार थैंक यू क्यों बोल रही हो और मुझे ऐसा कुछ क्या नहीं करना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए जो जिस पर मेरा हक नहीं। वो कहती है कि प्यार, जिसके बाद में यहाँ पर दोनों काफ़ी क्लोज नज़र आते हैं, साथ में ही उनकी बीच की नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं। इमली कहती है कि लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं यह सब कुछ इतनी पूर्णिमा के चांद के बाद कोई अमावस की रात ना आ जाए। जिसके बाद यहाँ पर आर्यन कहता है मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो भी उसे इतनी खुशियाँ देने के लिए थैंक यू कहते नजर आता है। वहीं सुबह सुबह ही इमली नाश्ता बना रही होती है और आर्यन के लिए काफ़ी कुछ बना रही होती है। उसके सर्वेंट उसे इन दोनों का थोड़ा सा मजाक बनाते नजर आते। वहीं आर्यन उन नौकरों को भेज कर खुद उसको सामान पकड़ाने लग जाता है और दोनों एक बार फिर से क्लोज नजर आते हैं। और इमली वो जिसे उसे किस करने वाला होता है इमली उसे डरा देती है कि कोई आ गया है और वो कहते हैं कि बच्चे की तरह डरते हो तुम, बच्चे होंगे तो। और फिर वो बेचारे मुँह से क्या निकल गया उसे समझ नहीं आता और दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। जिसके बाद में ज्योति सुन लेती है बच्चे के बारे में और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे और आर्यन के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसके बाद देखने को मिलता है इमली अलग से अकेले खाना बना रही होती है और आर्यन वहाँ से चला जाता है और ज्योति उसके पास में आती है और उसको धक्का देती है जानबूझकर, जिससे कि उसके हाथ में कट लग जाता है। वो उसे बातों इशारों में ये कहते नजर आती है कि जो चीज़ मेरी नहीं आएगी मैं उसे छीन लूंगी। और देखने को मिलने वाला है कि वो खाने में कुछ ऐसा मिलाने की कोशिश करती है जिससे कि अपन यहाँ पर नर्मदा की तबीयत खराब हो और उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़े और उसे इमली को धक्के देकर बाहर निकाल दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पहले से खाना शुरू कर देती है नर्मदा जब इमली यहाँ पर नाश्ता लेकर जाने वाली होती है। वो खाना आर्यन अपने हाथों से इमली को खिला देता है जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो टेबलेट जो उसने डाली होती है वो तो इमली के हाथ में आ जाती है। लेकिन वो खुद जाकर यहाँ पर इमली टेस्ट करते नजर आएगी और वो टेस्ट पॉजिटिव होगा, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग खुश नजर आते हैं और जो नर्मदा की सारी नाराजगी वो भूल जाती है और इमली को गले लगा लेती है, उन दोनों को आशीर्वाद देते नजर आती है और ज्योति की सारी प्लानिंग यहाँ पर फ्लॉप हो जाती है।